इस चुनाव में जो है ना कईयों की साख जुड़ी हुई है। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि मेरा गढ़ है, क्यों जीतते आए हैं? उनका भजनलाल का गढ़ था, उनका गढ़ तो है। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2024 दिख रहा है, जेपी उनका खिलाड़ी है, उनका आप कैंडिडेट कह लो, खिलाड़ी कह लो, तो साख तो अब हुड्डा की और कुलदीप की, इन दो की है, किसी और की भी है? और तो फिर किसकी रहेगी जी? बात वही है कि ये तो 6 तारीख को ही पता लगेगा। जब आपने पता है 3 जाट खड़े है तो कौन जीतेगा, मेरे मुंह से क्यों कहो? कोई ना कोई तो गेम खिला ही रहा है ना, आपको लग रहा है अभी कोई ना कोई गेम रच रहा है भाई? किस तरह के मोरे रखे जाते हैं? गेम तो ये है कुलदीप को जिताने का असल, तो 3 जाट आगे एक 9 जाट है, तो आप मेरे मजे यूं ही नहीं लग रहे हो, पता मजे नहीं लेने लग रहे हो? नहीं पता नहीं, देखो पता क्या होता है, मजे नहीं है, विचार है। इब आप भी देखो जेपी जेपी को उधर पता आपने भी है नहीं, 3 जाट आ रहे हैं तो वो वोट तो आओगे उनके, करोड़ाराम के भी आओगे, सत्येंद्र के भी आओगे, जेपी के आओगे, बाकी सारे एक साइड में पड़े। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। कल हम आपको लेके गए थे तिलनवाड़ी, और ये जो गांव है जहां मैं पहुंचा हूं ये है कुतियावाड़ी। साथ साथ हैं दोनों गांव, लेकिन तासीर हो सकता है अलग अलग होगी, बात कर लेंगे। सबको राम राम जी। कल तेलनवाड़ी में गए थे हम, तो पूछा था तेलनवाड़ी का नाम कैसे पड़ा, आप कहते हैं भी तेल ली जाता थे, तो मैं अभी कुतियावाड़ी भी यहीं बताया नज़दीकी गांव, बोला हाँ जी। आप ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब कर पाओगे भी ये कुतियावाड़ी नाम जो पड़ा गांव का, वो कैसे पड़ा? आप इसी गांव से ही हो? मने तो ना बुड्ढे ने मेरे ने मत को, आपको पता, किसी को पता है अभी कुतियावाड़ी नाम कैसे पड़ा? चलो किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने हाँ बता दो। कुतियावाड़ी हमारे गांव का नाम इस तरह पड़ा कि कोई अंग्रेज अफसर आया था उस पुराने टाइम में, और कुतिया ने उस अंग्रेज को काट लिया। यही बताई थी सागी बात, वही मैं कन्फर्म करूँ था भाई, कहते इस गांव वाले कहते हैं जी, उसने बताया था तेलनवाड़ी वाले ने झूठ बोल दिया था। हाँ जी, वीरपुर, अभी वीरपुर कहते हैं, वीरपुर भी कहते हैं, चलो एक अच्छा नाम है, सब नाम है, हुआ नहीं है लेकिन इच्छा है कि वीरपुर हो जाए। दूसरी बात, हम तो इसलिए आए थे कि भाई चुनाव का टाइम है, थोड़ा पता लगे। मोटी बात यह है कि जीते हारे कोई जीते, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी जीत जाए, कोई आदमी जीत जाए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोच क्या है लोगों की, भी पॉलिटिकल पार्टी को देख के वोट देते हैं या कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं, आप बताओ? मैं तो कैंडिडेट ने देख के दिया, बाकी सो ठीक है। कैंडिडेट को देख के? हां, कैंडिडेट में के देखो उसका मतलब काम करनी होना चाहिए है भाई, किसानों को सुने है, कोई काम करे वो ही होना चाहिए, नहीं और के देखा, पार्टी उनके पेट भरे, पार्टी और की नहीं करे। आप इस पे आ जाओ तो, या मैं नजदीक आता हूँ, आप पूछो बात, या बात इतना ही तो लिखेगी, अरे एक जीतेगा, मतलब 4 है मोटे मोटे, 3 की रड़क लिखड़ जाएगी, एक जीत जाएगा, जीत जाएगा। तो यो जो जीतेगा इसमें कोई क्वालिटी है कि कौन जीतेगा? क्वालिटी तो जी इसमें यूँ है, यो गांव तो हमेशा ही एंटी रहे है। किसके एंटी रहे? सरकार के, भजनलाल परिवार के, हैं वोट नहीं दिए इस गांव ने कभी भी, आपने को वोट नहीं दिए, उनके हमारा गढ़ है आदमपुर हल्का ही गढ़ है। नहीं गढ़ तो वो तो उनके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, गांव के विचार अलग हैं। 3 बार 4 बार कुतियावाड़ी के आदमी पंचायत जाके 1.69 का खड़ा है, उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करी, झूठ बोला गया, अभी इसके पैसे आ गए हैं, नाली बन जाएगी, आज तक तो बनी नहीं है। मतलब ये चुनाव के टाइम में मतलब रड़क का एक तरीका है भाई, ये रड़क रह रही है यार, है लोग गए थे, बात को तवज्जो नहीं मिली। 3 बार गए थे, 1 बार महेंद्र के लिए गए थे, 4 दीवारी के लिए, इसके बाउंड्री नहीं थी मंदिर के, उस टाइम गए थे, तो उस टाइम तो उन्होंने ठीक कहा भी मेरे भाई की डेथ हुई हुई है, मैं इस टाइम आ नहीं सकता, वो तो जायज़ बात थी। अब नाले की 3-4 बार जाइए, मंडी भी जाइए, इसहार भी गए हैं, गांव में आए उस टाइम भी गया था, पर वो नाले नहीं बन रही। अच्छा, अगर वो नाले बन जाए पूरा गाँव वोट दे। सरकार तो कई आ ली जी, कई कांग्रेस की भी सरकार आ ली और भी आ ली, तो ये किसी ने नहीं फिर पास करी, वही रुक गए फिर? जेपी ने बनवाई जी, जेपी ने बनवाई थी पहले यह नाली, जो 9 में चुनाव लड़ा था ना जेपी ने, उस टाइम ये जेपी गए टाइम में ये नाली बनी हुई है। अच्छा, मैं तो एक गांव में पीछे बात कर रहा था कि तभी जेपी ठीक था, चलो 2009 में चुनाव लड़ लिया, उसके बाद में संभाला ही नहीं कदे, वो संभाल लेता तो अब दिक्कत नहीं आती। आया है, हाँ बिल्कुल आया है, बार बार आया, एक तो वो भाई है वीर सिंह है, इसके पास आया करे, एक कृष्ण राव है उसके पास आया करे, आवे। अच्छा, दूसरा ये भी कह देते हैं आपने जेपी का कहा, इसका मतलब पानी कहीं ना कहीं जेपी मरे है जी, ये आप जेपी का जिक्र कर रहे हो, कहीं ना कहीं पानी जेपी में मरता है? हाँ जेपी का है जी, माहौल तो है ही हल्के के अंदर, और उसके बारे में ये है कि भाई ये बाहर का कैंडिडेट है, कलायत से विधायक भी रहा, हालांकि बरवाड़ा भी रहा पहले, ये चुनाव कहीं से लड़े, शेर है वो तो कहीं जा सकता है, शेर कहीं जा सकता है, गदड़ घूरी में रहेगा।
है तो जेपिन तो चाहे कहीं से तो आपने नई डेफिनेशन दे दी। तो ये तो है जी, जो मतलब मर्द है वो तो कहीं से चुनाव लड़ेगा, हार जीत का क्या है, चुनाव में एक हार एक जीत दो ही पहलू है चुनाव के। तो एक बात तो है, जेपी के पीछे तो कसूती डाल पड़ रहे हैं। अब वो कुरुडाराम बी से पार्टी में था, वो INLD ने कैप्चर कर लिया। देखो जी, अच्छा किसी पार्टी का भी अपना नेता नहीं है कांग्रेस के, तो चलो ये कई साल से इसमें है। उधारे आ रहे हैं, सत्येंद्र आया उधारा है, कुरुडाराम उधारा है, कांग्रेस ही था पुराना कदेगा, अरे अब वो INLOM चला गया, तो उसको देखते हैं। आप देख लियो जो 6 तारीख को कितने वोट आएंगे कुरुडाराम को, कितने सत्येंद्र को आएंगे, कितने जेपी को आएंगे। तो ये वोट कोई ना कोई तो गेम खिला ही रहा है ना, आपको लग रहा है अभी कोई ना कोई गेम रच रहा है भाई, किस तरह के मोरे रखे जाते हैं। गेम तो ये है कुलदीप को जिताने का असल, तो तीन जाट आगे एक नॉन जाट है ने? तो आप मेरे मजे यूं ही लेने लग रहे हो, पता मजे नहीं लेने लग रहे हो। नहीं पता नहीं, देखो पता क्या होता है, मजे नहीं है विचार है ये। आप भी देखो जेपी का उधर पता आपने भी है। नहीं तीन जाट आ रहे हैं तो वो वोट तो आओगे उनके, कुरुडाराम के भी आओगे, सत्येंद्र के भी आओगे, जेपी के आओगे, बाकी सारे एक साइड में पड़े। खाली जी ने बेरा हो मान लो आपने जचे है कि भी किसके आओगे किसके नहीं आओगे, लेकिन आप जेपी का जिक्र करो, फिर भी जिक्र तो कर ही रहे और पता आपने भी है, सब ने पता है, तो सारे सो कैसे जाए ताण के, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं किस तरीका करना ही पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, गोल घूम है चुनाव, देखो किस साइड में जाओगे। बीजेपी ने काम कराए नहीं कराए? काम तो कोई खास नहीं है जी, किसान का हक में तो कोई काम होया नहीं है। कुछ बोलना चाहोगे? अब रुक गए बीच में, मन बात बोल रहा थोड़ा मुंह सा खोल लिया था मैं, बोला भी कि मैंने आवाज निकलेगी है ये देखो, बिहारी साहब बोलो वो देखो खुल गया मुंह तो। ऐसे है जी, किसान दुखी है, यहाँ पानी की कमी है, इस एरिया के अंदर पानी नहीं है, पानी है कभी आवे तो जो खाले हैं खेतों में पानी लगने के लिए वो सारे मिटे पड़े हैं, पानी नहीं लग रहा किसी है। अच्छा वो कह रहे हैं मतलब मुआवजा कह दे, आप निकलोगे वही कहोगे हैं। 20 और 21 दोनों साल फसलें खराब हुई है खूब, और इस साल भी किसानों को तो दिक्कत है, मतलब पानी की भी दिक्कत, मुआवजे की दिक्कत, मतलब सब चीजें किसान नाराज हैं। किसानों को दिक्कत है और तो किसी को दिक्कत नहीं। आपने जैसे अभी कहा कि भाई वो खाल के लिए गए थे नहीं हुआ, तो ये जब वोट मांगने आते हैं तो लोग उनको कहते हैं क्या तेरे पास गए थे बुलाना देते नहीं देते? बिल्कुल पीछे आए थे उस टाइम, कहा था कुलदीप को खाल बना दो पूरा गाँव एक साइड में वोट डाल देंगे, बोले बना देंगे कि आपके पैसे पास हो गए, इतने तो कोई 5 पीस आया कौन कटे, कहीं रुक गए होंगे, कहीं ट्रेन पंचर होगी, कई जगह वो झटका हुआ नहीं, उस झटका में फंस गए कहीं। ATM में कई बार होगा ना, वो ATM की मशीन झटका खा रही है, झटका खा रही है वो, पानी तो घड़ो ही दियो है, नहर मारी हुई को नहीं बंद है, बन भी पानी बने के टेल जका खाड़ा की टेल हो नहीं, बम आगे पुग गई को नहीं, मोरियांगा कन्ने ही रह नाड़ा नाम तीन खाड़े हैं इस काम। बताओ जो मैं जो समझ रहा था कि भाई इस चुनाव में जो है ना कईयों की साख जुड़ी हुई है, कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि मेरा गढ़ है, क्यों जीतते आए हैं, उनका भजनलाल का गढ़ था तो उनका गढ़ तो है। दूसरी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2024 दिख रहा है, जेपी उनका खिलाड़ी है, उनका आप कैंडिडेट कह लो खिलाड़ी कह लो, तो साख तो अब हुड्डा की और कुलदीप की इन दो की है, किसी और की भी है? और तो फिर किसकी रहेगी जी, चौटाला वाले का तो अब कोई साख वाली बात रही नहीं, जेपी तो उनके समर्थन में ही आ गई, INLO का कोई प्रभाव इस टाइम है नहीं। इसकी आखिरी सवाल ये है भाई किसकी साख बचेगी और किसकी डूबेगी? ये तो जी 6 तारीख को ही पता लगेगा, पहले क्या बतावा? तेरे मित्र की तो बता दे, फालतू बात करने से कुछ नहीं है, बात तो वही करनी चाहिए जो जायज है। बात वही है कि ये तो 6 तारीख को ही पता लगेगा, जब आपने बताया तीन जाट खड़े है तो कौन जीतेगा, मेरे मुंह से क्यों कुआ? ये कह रहे मेरे मुंह से, मेरे मुंह से मत कुआ, हालांकि और भी काफी सारे लोग हैं उनसे बात कर लेंगे, लेकिन लब्बो लबाव यही है मोटी मोटी तौर पे कहते हैं मुंह से मत कुआ, साख किसकी बचेगी और किसकी डूबेगी, इस पे आप कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।